राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाने के मामले में पुलिस ने 36 एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 100 में से बाकी एफआईआर दूसरे पोस्टर्स को लेकर दर्ज की गई थी। सभी केस प्रिंटिंग प्रेस एक्ट और प्रॉपर्टी डिफेसमेंट एक्ट के तहत दर्ज किए गए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी आपके ऑफिस से निकलते हुए एक वैन से भी पोस्टर जब्त किए गए हैं। इस केस में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक दिल्ली के कुछ हिस्सों में मोदी हटाओ देश बचाओ नारे वाले पोस्टर लगे थे। इन पोस्टरों में प्रिंटिंग प्रेस का ब्यौरा नहीं था। आईपी स्टेट थाने के एक कांस्टेबल ने पप्पू बेजा नाम के एक शख्स को पोस्टर लगाते हुए पकड़ा था। पप्पू के पास 38 बंडल पोस्टर मिले थे। आम आदमी पार्टी ने पूछा पोस्टर में आपत्तिजनक क्या है। इधर आम आदमी पार्टी ने पुलिस कार्रवाई को तानाशाही बताया। पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा मोदी सरकार की तानाशाही चरम पर है। पोस्टर में ऐसा क्या आपत्तिजनक है जो इसे लगाने पर मोदी जी ने 100 एफआईआर कर दी। पीएम मोदी आपको शायद पता नहीं है भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एक पोस्टर से इतना डरना क्यों। आम आदमी पार्टी पोस्टर मामले को लेकर गुरुवार को प्रदर्शन करेगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले इस प्रदर्शन में अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब सीएम भगवत मान भी शामिल होंगे। स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस दीपेंद्र पाठक ने बताया 2 प्रिंटिंग प्रेस फर्म को ऐसे 50,000 पोस्टर बनाने का ऑर्डर मिला था। कंपनियों से जुड़े कर्मचारियों ने रविवार रात सोमवार सुबह तक इनमें से कई पोस्टर शहर के अलग अलग इलाकों में लगाए। पुलिस ने प्रिंटिंग प्रेस का नाम प्रकाशित न करने के आरोप में मालिकों को गिरफ्तार किया है। ऐसे ही बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।